हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साइंस मैग्नेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं जैसा कि आप लोगों को पता है डेली अपनी क्लास होती है लेट्स क्रैक साइंस ना नाइम से ही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को साइंस को बिल्कुल क्रैक कर देंगे पूरे आप लोगों के मार्क्स लेकर आ जाएंगे आपको पता है टेक्निशियन में तो और भी ज्यादा अब आपका वेटेज हो गया फोर्टी मार्क्स का तो आप लोगों के लिए सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों अगर आप लोग डेली पढ़ रहे हो तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत भी होगी ना वो सारी आप लोगों की दूर हो जाएगी चलिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिली जाती है क्लास के बाद में चलिए और आज की की दोस्तों शानदार मोटिवेशनल लाइन जो अपने कदमों काबिलियत विश्वास रखते वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंचता है तो आपको विश्वास किसी और पे नहीं रखना कि यार वो मेरे लिए ये कर देगा तो मेरा क्या सिलेक्शन हो सकता है क्या अगर आप अपने ऊपर विश्वास रख रहे हैं मेहनत कर रहे हो तो हंड्रेड सिलेक्शन होगा सिलेक्शन के लिए आप खुद जिम्मेदार है अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता उसके लिए भी आप खुद जिम्मेदार है दोस्तों आप लोगों को पता है आप लोग काफी बोलते हैं तो सर ये बाकी के सब्जेक्ट क्या मतलब एक चाहिए सर मुझे मैथ रीजनिंग सबका मार्च को सुबह दस बजे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं दोस्तों पर सभी सब्जेक्ट का समाधान हो जाएगा और दोस्तों प्यारे दोस्तों आप लोग थ्योरी की डिमांड करते हो ना हर सैटरडे को मैं आपको थ्योरी करवाता हूं लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं आज ही एक चैप्टर और करवा दूंगा थ्योरी का फिजिक्स का चैप्टर नंबर टू मोशन यानी गति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज रात को दस बजे करा दू क्या मैं अरे आज रात को दस बजे करवा दू क्या मोशन यानी गति पूरा एनिमेशन के साथ समझेंगे एक ही क्लास में पूरा चैप्टर हो जाएगा सारे क्वेश्चन कर लेंगे मजा आ जाएगा रात को दस बजे चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएं और पहला ही क्वेश्चन दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है आंसर आप लोग बताएं बोला जा रहा है बाईस डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी है साउंड की स्पीड कितनी है आपको पता है दोस्तों जो साउंड होता है ध्वनि होता है एक वेव के रूप में आगे चलती है तरंग के रूप में और दोस्तों हर वेव की कोई ना कोई क्या होती है स्पीड होती है चाल होती है आपको यह भी पता होगा दोस्तों साउंड की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है जैसे वॉटर में अलग होती है दोस्तों गैस में अलग होती है एयर में अलग होती है तो आपको बताना है एयर में स्पीड बतानी है कितने टेम्परेचर पे बाईस डिग्री सेल्सियस पे आपको यह भी पता है टेम्परेचर में चेंज करने से साउंड की स्पीड चेंज होती है यानी अगर एयर का टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस है इसमें साउंड की स्पीड अलग होगी दोस्तों बाईस डिग्री सेल्सियस पर अलग होगी पच्चीस डिग्री पर अलग होगी इस बार जो आप लोगों का रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी 2022 में ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था साउंड की स्पीड एयर में कितनी होगी अगर एयर का टेम्परेचर है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तो सर ऐसे तो पता नहीं कितने टेम्परेचर होंगे स डिग्री पंद्रह डिग्री सत्रह बीस चौबीस पच्चीस अट्ठाईस ऐसे में सबके थोड़ी याद रखूंगा बिल्कुल आपको सबके याद नहीं रखना लेकिन दोस्तों इन तीनों के याद रखने हैं क्यों सर क्योंकि ये तीनों ही आपको एनसीआरटी में दिए हुए हैं क्लास नाइन का एनसीआरटी का चैप्टर जब साउंड यानी ध्वनि खोल के देखोगे तो देखो यहां पर एक चीज समझा रखी है कि जब आप लोगों का टेम्परेचर बढ़ता है ना तो साउंड की स्पीड बढ़ती है चाल बढ़ती है जैसे आप लोग यहां पर देखो फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज थ्री थर्टी वन मीटर पर सेकेंड एट एट जीरो डिग्री सेल्सियस यानी दोस्तों जीरो डिग्री सेल्सियस पे ठीक है ये की जगह जीरो जीरो डिग्री सेल्सियस पे ये आपका कितना है स्पीड देखिए तीन सौ इकतीस मीटर पर सेकेंड क्लियर है क्या तो तीन सौ इकतीस मीटर पर सेकेंड अगर ऑप्शन में है तो हटा दो क्योंकि यह तो जीरो डिग्री सेल्सियस पे है अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों तीन सौ चवालीस हो रहा है बाईस डिग्री सेल्सियस पे तो बाईस डिग्री सेल्सियस पे कितना हुआ तीन तीन आप लोग देख पा रहे हो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में स्पीड आप लोगों की बढ़ रही है तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर तो कितना हो जाएगा तीन सौ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साथ में दोस्तों आप लोग यहां पर देखो एक टेबल दी गई है इसके जस्ट नीचे <coughs> जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड क्या होती है अलग अलग माध्यम में वो भी बताया हुआ है तो एयर की स्पीड 25 डिग्री सेल्सियस भी ध्यान रखो कितनी होती है 346 होती है तो ऑप्शन में अगर 346 नहीं दिया हुआ तो 346 मीटर पर सेकंड साउंड की स्पीड कब होती है जब एयर का टेम्परेचर पच्चीस डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों तीनों याद रख लोगे क्या जल्दी से बताओ जीरो डिग्री सेल्सियस बाईस डिग्री सेल्सियस और पच्चीस डिग्री सेल्सियस तीनों पर आप लोगों को ध्यान रखने हैं क्लियर है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताओ सर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में साइंस लोको पायलट वाली है ग्रुप डे वाली है और हमने जो कोर्स ले रखा है वो आप कर। हाँ दोस्तों साइंस आप लोगों की कॉमन है ठीक है जो आपके ग्रेड थ्री में ना वो जनरल साइंस सामान्य विज्ञान है चलिए इसका आंसर बताएं दोस्तों निम्न में से किसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड एसेट के रूप में जाना जाता है अब आप लोग बोलोगे कि सर ग्लेशियल एसिटिक एसिड एसेट आप लोगों का क्या होगा देखो दोस्तों एक तो है ना ये फॉर्मूला है ना आप लोगों का गलत ये फाइव की जगह थ्री होगा ठीक है अब आप लोग बोलोगे सर एसिटिक एसिड का फॉर्मुला तो मुझे पता है क्या होता है सी एच थ्री सीओ एच पता है क्या आपको क्या आपको यह भी पता है क्या एसिटिक एसिड एसीट का आईयूपीएसी नेम क्या है सर मुझे यह भी पता है इसका आईयूपीएसी नेम होता है एथेनोइक एसिड लेकिन बात अभी एसिटिक एसिड एसीट की नहीं होके ग्लेशियल एसिटिक एसिड एसीट की हो रही है तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड एसीट क्या होगा यह तो आपका एसिटिक एसिड होता है तो तो इसको तो आप लोग हटा दोगे, दोस्तों आपको हटाना नहीं है देखो ये सेम क्वेश्चन इस बार आपका ग्रुप डी में पूछा गया है आप लोगों का मैं बोल रहा हूं एनसीआर की लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बनाए इस बार आप लोग क्लास टेन का जब चैप्टर उठा के देखोगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कार्बन एवं इसके यौगिक उसमें क्या बोला जा रहा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ना एथेनोइक एसिड का वो कितना है केल्विन। इसको आप मुझे पहले में करके सौ नब्बे तो दोस्तों अगर कोई कैलविन है उसको माइनस तो कर देंगे में से साथ गया, एक। केवल और केवल सत्रह डिग्री सेल्सियस डिग्री पे क्या कर जाएगा आप लोगों का मेल्ट कर जाएगा क्लियर है क्या ठीक है तो एक चीज मुझे बताओ मान लो अगर टेम्परेचर सोलह डिग्री सेल्सियस है तो ये सॉलिड स्टेट में होगा ना अगर टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस होगा इतना होगा तब जाके मेल्ट करेगा यानी 17 से पे 17 से कम पर ये प्रीच कर जाएगा जम जाएगा तो बोला जा रहा है ठंडा मौसम एसिड ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड का ही एक हमने नाम दिया है क्योंकि ये आसानी से आप लोगों का जम जाता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा आया मजा बताओ

में आप लोगों को दिया हुआ है जब 20 ओम प्रतिरोध के एक प्रतिरोध से तीन माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना है देखिए दोस्तों आपको पता है जैसे मान लो ये कोई एक वायर है अगर आप लोग चाहते हो उस वायर में करंट फ्लो हो तो क्या करंट अपने आप फ्लो हो जाएगी क्या कि घर पे कोई कॉपर का तार पड़ा है उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी नहीं अगर आप लोग चाहते हो किसी वायर में करंट फ्लो हो तो उसके सिरो पर क्या होना चाहिए विभवांतर होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए सर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लेकर आऊं जैसे दोस्तों आप लोग जब बैटरी से कनेक्ट करते हो ना ये मान लो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मान लो आपने दस वोल्ट की बैटरी लगाई है इसका मतलब क्या है इस सिरो पर कितना हो गया दस वोल्ट का अगर आप बीस वोल्ट की बैटरी लगाते तो इन दो सिरों तो एक सिरे से दूसरे सिरे पे करंट फ्लो होगी तो मान लेते वी लगाया किसी में जो करंट फ्लो हो रही है वो मान लेते हैं दोस्तों आई हो रही है और हर तार का अपना एक रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कितना है आर है अब आपको सारा मान दिया हुआ है प्रतिरोध की वैल्यू दी गई है आप लोगों को ठीक है वोल्ट अच्छा विवांतर आप लोगों से पूछा गया है करंट आप लोगों का कितना है दोस्तों तीन माइक्रो एम्पियर है देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है दस की पावर माइनस छ होता है तो बेसिकली इतनी आप लोगों की करंट फ्लो हो रही है तीन गुना दस की घात माइनस छ इसमें बस यही आप लोगों का गलती होने का चांस था कॉन्सेप्ट तो सिंपल है तो तीन दूनी तीन दूनी छ हो जाएगा दोस्तों एक जीरो ये रहा दस की पावर माइनस छह ये रहा तो कितना बन जाएगा दस की पावर माइनस बन, बन तो दस की माइनस पांच ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा आगे बात समझ में कोई समस्या तो नहीं है चलिए आगे चलिए दोस्तों इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपके स्क्रीन पे है बताओ बताइए ठीक है तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए मेरे को लगता है कि आपको दोस्तों समझ में आ रहा है ना सब तो कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो है ना समझ रहे हो अगर डेली आप क्लास में आ रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपको समझ में नहीं आए बशर्ते दोस्तों आप सिलेक्शन के लिए बैठे हो आप लोगों में जज्बा हो ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है गुरु जी मैं तो जा रहा हूं ये है ना तो कोई गोली नहीं है गोली खाते है सब कुछ हो जाएगा आपको मेहनत करनी पड़ेगी साथ में आ जाओ निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रोटिस्टा जगत में शामिल है दोस्तों आपको पता है जितने भी जीव होते हैं ना उनको उनकी विशेषताओं के आधार पर हम लोग अलग अलग जगत में रखते हैं किसी को मोनेरा जगत में रखोगे किसी को प्रोटिस्टा जगत में रखोगे किसी को दोस्तों फंजाई यानी कवक जगत में रखोगे किसी को एनिमल यानी जंतु जगत में रखोगे किसी को प्लांट यानी पादप जगत में रखोगे क्या आप लोगों को पता है कि मोनेरा जगत में कौन से जीवों को रखा जाता है बिल्कुल सर ऐसे जीव जो कि यूनिसेलर होते हैं एक कोशी होते हैं पूरी बॉडी में केवल एक ही कोशिका है ना ऐसे जीव दोस्तों जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है आपको पता है कोशिका दो प्रकार की होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक तो जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है उसको मोनेरा जगत में रखेंगे प्रोटिस्टा जगत में किसको रखते हैं ऐसे जीव सर जो यूनिसेल्यूलर होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं ठीक है और सर जिनमें यू सॉरी 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 दोस्तों ऐसे जीव जो कि मल्टी सेलर होते हैं एक कोशिकीय होते हैं लेकिन दोस्तों उनमें पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है यू कैरोटिक है तो उसको प्रोटेस्टा जगत में रखेंगे जैसे आप लोगों को मैं बता दूं ये एना बेना क्या है आपको पता है क्या ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है एक प्रकार का जीवाणु है और दोस्तों बैक्टीरिया में कौन सी कोशिका पाई जाती है प्रोकेरुटिक कोशिका पाई जाती है और प्रोकेरुटिक वाले को क्या हम लोग प्रोटिस्टा जगत में रखते हैं क्या नहीं सर प्रोकेरिटिक वाले को तो मोनिरा जगत में रखते हैं तो इसको आप लोग हटाओ दोस्तों अमीबा ये सूक्ष्म जीव है ये कितनी कोशिका का बना हुआ है सर एक कोशिका का बना हुआ है ये सेलर है और आप बता सकते हो कि कोशिका कौन सी होती है यू सेल पाई जाती है इसमें तो कुल मिला के अमीबा को आप लोग प्रोटिस्टा जगत में रखोगे दोस्तों प्रोटिस्टा जगत का कोई सेकंड एग्जांपल बता सकते हैं क्या बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल सर मैं बता सकता हूं एक जीव है जिसका नाम है पैरामीशियम सूक्ष्म जीव है ये तो इस जीव को भी आप लोग कौन से जगत में रखते हो प्रतिष्ठा जगत में रखते हो दोस्तों इस अमीबा से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी आकृति बदल सकता है उसकी आकृति बार बार चेंज होती रहती है वो अमीबा है और अगर आप लोग पैरामीशियम की आकृति देखोगे ना इसकी आकृति बताऊं कैसी होती है ऐसे होती है मतलब ऐसे मतलब चप्पल की जैसे होती है तो अगर आप लोगों से बोला जाए चप्पल की आकृति का कौन सा जीव होता है स्लीपर शेप का स्लीपर तो ये आपका होता है पैरामीसियम चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर बताओ बताओ निम्नलिखित में से कौन सा जीव इकाइनो में शामिल है बताइए अब सर ये क्या हो गया अब दोस्तों आपको मैं बता दूं किस एनिमल किंगडम में किसको रखते हो जंतु जगत में किसको रखते हो ऐसे जीव जो मल्टी सेलर होते हैं होते हैं जिनमें यूटिक सेल पाई जाती है जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते जिनकी कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती तो दोस्तों इस जगत में जितने भी आपके जीव आते हैं सभी को आप लोग बोलते हैं एनिमल्स यानी जंतु आपको पता है हम भी इसी के अंदर आते हैं इसीलिए हम भी क्या है एनिमल है जंतु है ह्यूम्स भी इसी के अंदर आएंगे काउ भी इसी के अंदर आएगी छोटी सी जो चीटी है वो भी इसी के अंदर आएगी मतलब बहुत बहुत सारे आपके एनिमल्स आएंगे दोस्तों इन एनिमल्स को इनकी विशेषताओं के आधार पर हम लोग अलग अलग फाइलम यानी अलग अलग संघ में रखते हैं ऐसे एनिमल दोस्तों जिनकी बॉडी पे पोर्स पाए जाते हैं छिद्र पाए जाते हैं उसको पौरी पेरा संघ में रखते हैं ऐसे एनिमल दोस्तों जिनकी बॉडी पे कांटे जैसी संरचना पाई जाती है उसको इकाइनो संघ में रखते हैं ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी पे सेगमेंट खंड पाए जाते हैं उसको आप लोग एने लीडा संघ में रखते हो कहां पर रखते हो एने लीडा संघ में जैसे आपने अर्थ को देखा होगा तो क्या इसकी बॉडी पे दोस्तों से सेगमेंट खंड पाए जाते हैं क्या बिल्कुल तो इसको आप लोग एने लीडा संघ में रखोगे दोस्तों जिनकी बॉडी पे कांटे जैसे संरचना पाई जाती है उसको आप लोग कहां पर रखोगे इकाइनो संघ में दोस्तों एक आप लोगों का एनिमल है जिसका नाम है स्टारफिश इसका नाम स्टारफिश क्यों रख रखा है इसकी आकृति देखो एक स्टार की जैसी है तारे की जैसी है इस पे आप लोग हाथ लगाओगे ना इसकी बॉडी पे कांटे जैसी संरचना है तो उसको मैं कौन से संघ में रखूंगा इकाइनो डरमेटा संघ में रखूंगा तो इसमें इकाइनो डरमेटा संघ में किसको रखोगे स्टार को रखोगे स्पाइडर इसको कौन से संघ में रखोगे अगर आप लोग स्पाइडर को उल्टा करके देखोगे ना इसका ये पैर 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 जुड़े हुए हैं तो जिस एनिमल्स के पैर जुड़े हुए होते हैं उसको ऑर्थोपोडा तो संघ में रखते हैं तो इसको आप लोग ऑर्थोपोडा तो संघ में रखेंगे क्लियर है क्या चले आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताओ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन इस बार का और दोस्तों ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है मैक्सिमम बच्चों को आते हुए भी इस क्वेश्चन को गलत करके आ गए देखते हैं आप सही कर पाओगे क्या ध्यान से देखो। एक लड़का है भीम कुमार जी ये पिछले दस मिनट से एक ही कमेंट कर रहा था पहले तो ये कमेंट कर रहा था कि सर प्रीवियस क्वेश्चन करवाओ अब ये कमेंट कर रहा है सर मुझे क्लास लेना है ये तो वो बात हो गई आप तो बिल्कुल क्लास में बैठे हो बोल रहे हो मुझे क्लास लेना है, है? ये तो ये बात हो गई आप शादी करने गए मंडप पे बैठे हो वहां पर पंडित जी के सामने बोल रहे हो पंडित जी मुझे शादी करनी है पंडित जी बोलेगा राजीव वो इंसान है यार है सामने शादी चल रही है और एक ही चीज बोलता जा रहा है कि मुझे शादी करनी है आ जाओ दोस्तों वास डिफरेंस वास डिफरेंस डैश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है बहुत जनों को क्या लगा क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वास डिफरेंस किससे आने वाली ट्यूब है नहीं ये बोला जा रहा है वहां से डिफरेंस डैश से एक ट्यूब आती है उसके साथ में मिल जाती है तो देखो यहां पर भी आंसर टेस्टिकल दिया जा रहा है मैक्सिमम बच्चे यही दे रहे हैं आप करोगे ऐसे एग्जामिनर करेगा ऐसे यही गलती करी दोस्तों ग्रुप डी 2022 का जब पेपर हुआ बहुत सारे बच्चे ने बोला कि देखो सर एग्जामिनर ने क्वेश्चन वो रेस्पॉन्स जब बेच के भेजी बोले सर मैं इसको चैलेंज करूं क्या मैंने बोला कि यार आप गलत समझ गए इसको क्वेश्चन बिल्कुल सही था देखो वापस समझो वास डिफरेंस पहले तो क्या है समझो आपको पता है मेल बॉडी में ये होते हैं दो टेस्टिकल यानी दो व्रशन इनमें किसका निर्माण होता है यानी शुक्राणु का जो कि एक नली के माध्यम से कहां पर जाते हैं ऊपर की ओर जाते हैं ठीक है इस नली का नाम ही क्या है वास डिफरेंस है तो अगर आप लोगों से बोला जाता वास डिफरेंस किससे निकलती है तो आंसर होता वर्षन लेकिन क्या बोला जा रहा है वासिफ्रेंस डैश से आने वाली ट्यूब के साथ में एकजुट होती है उससे मिलती है देखो मेरी बात को ध्यान से समझो ये रहा आपका क्या ब्लैडर मूत्राशय जहां पर आपका मूत्र संग्रहित होता है दोस्तों मूत्र से से एक आप लोग ध्यान नली निकल रही है जिसे आप लोग बोलते हैं यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग दोस्तों आपका जो स्पम होता है वो भी यहीं से निकलता है यानी कहीं ना कहीं वास डिफरेंस जो कि स्पम शुक्राणु लेके जा रही है वो अल्टीमेटली एक नली में मिलेगी और वो उस नली में मिलेगी जो कि कहां से निकल रही है ब्लैडर से निकल रही है जो कि मूत्राशय से निकल रही है और यही नली आपकी क्या कहलाएगी यूरेथ्रा कहलाएगी तो बेसिकली जो वास्तव डिफरेंस है वो ब्लैडर यानी मूत्राशय से, से आने वाली ट्यूब के साथ में एकजुट होती है ताकि मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा का निर्माण हो सके दोस्तों अब आई समझ में जल्दी से बताइए अब आई या नहीं आई है ना अब तो गलती नहीं करोगे आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ठीक है तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी ब्लैडर होगा ठीक है आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर बताइए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताओ चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का भार कितना है अट्ठारह न्यूटन है सर टेक्नीशियन में जनरल साइंस इंपॉर्टेंट है या बेसिक साइंस अरे दोस्तों टेक्नीशियन का ग्रेड वन का जो एग्जाम है उसमें आपका जनरल साइंस है ही नहीं बेसिक इंजीनियरिंग है टेक्नीशियन ग्रेड थ्री है उसमें जनरल साइंस है आप क्वेश्चन ही कैसे पूछ रहे हो हैं चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का भार आपको कितना दिया हुआ है अट्ठारह न्यूटन दिया हुआ है आपको बताना है पृथ्वी की सतह पर इसका द्रव्यमान कितना है दोस्तों आपको पता है किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी पर जितना है अगर आप लोग चंद्रमा पे जाओगे ना बट्टे ही रह जाता है तो अगर चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार 18 न्यूटन है तो दोस्तों पृथ्वी पर कितना होगा पृथ्वी पर भार कितना होगा कोई बता सकता है क्या सर गुना होगा तो 18 गुना 6 हो जाएगा कितना हो जाएगा ये आप लोगों का आठ अड़तालीस अरे बताओ यार मेरी हेल्प करो अच्छा रुको बीस छसो बीस दो एक बारह कितना हो जाएगा एक सौ आठ हो जाएगा एक सौ आठ हो रहा है क्या ठीक है तो पृथ्वी पे जो भार हो गया वो इतना हो गया भार क्या है सर एक प्रकार का फोर्स है जो कि नीचे की ओर लगता है तो यानी इसका मात्रक होगा न्यूटन ये बात क्लियर है क्या ठीक है लेकिन आप लोगों से द्रव्यमान पूछा गया है दोस्तों कोई भी एम द्रव्यमान की जो वस्तु होती है ना इस पे नीचे की ओर एक फोर्स लगता है जैसे आप छोड़ रहे हो ना तो नीचे आ रहा है तो इसका मतलब फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन लगा रहा है पृथ्वी इसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो इस वस्तु को क्या बोलते हैं जिस बल से नीचे की ओर आकर्षित कर रहे हैं उसे ही हम लोग भार बोलते हैं तो भार का मान फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सलेशन तो ये वाली वैल्यू दे रखिए एक सौ आप लोगों से मास यानी द्रव्यमान पूछा गया तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा 108 सौ आठ बट्टे गुरुत्वित वर्ण पृथ्वी पर गुरु नौ दशमलव आठ होता है आप लोग हटा दो अब सर क्या आएगा मुझे बताओ देखो 108 में ये नौ दशमलव आठ है चलो इसको एक बार के लिए दस मान लो तो अगर ये दस होता तो आपका आंसर कितना आता दस दशमलव आठ आता सही बात है क्या लेकिन दस नहीं है दस से थोड़ा सा कम है यानी आंसर दस दशमलव आठ नहीं होके दस दशमलव आठ से हल्का सा ज्यादा होगा ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता ये ही आपका बचा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लियर है चले आगे आंसर आप लोग बताएं सर ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया अरे देखो दोस्तों इस बार आप लोगों के ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछे गए भर भर के अभी कहां से उठाए क्वेश्चन आपको बताता हूं ठीक है आ जाओ दोस्तों गाय के दूध में कितना परसेंट फैट होता है कितना परसेंट फैट होता है अच्छा मैं आपकी यहां पर एक अच्छा किसको अपना वो चेक करवाना है कि सर मैं इंटेलिजेंट हूं या नहीं हूं किसी को चेक करवाना है क्या जल्दी से बताओ एक बार में मैं आप लोगों को चेक कर दूंगा या किसको ये चेक करना है अपना कि सर मैं कंसंट्रेट मैं कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा किसको चेक करवाना है अभी चेक करवा दूंगा ठीक है तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया चलो अब मैं बताऊंगा बताऊंगा अभी थोड़ी दूध गाय में कितने प्रतिशत वसा होती है? जो का जो होता है ना वो कितने परसेंट फैट होता है दोस्तों क्लास नाइन का चैप्टर नंबर बारह इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज जब आप लोग इसमें खुल के देखोगे ना तो यहां पर एनिमल के जितने भी प्रोडक्ट है ना उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं ये बताया गया है जैसे मिल्क है ना स्पेशली काउ के मिल्क में क्या पाया जाता है एग में क्या पाया जाता है मीट में क्या पाया जाता है फिश में क्या पाया जाता है तो दोस्तों काउ के मिल्क में जो फैट की मात्रा होती है वो कितनी होती है तीन दशमलव छह जीरो का मतलब है? कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शुगर के नाम से बोलते हैं मिनरल पाया जाता है वाटर पाया जाता है और ये वाले विटामिन पाए जाते हैं बी वन बी टू बी ट्वेल्व डी तो अभी पहले क्वेश्चन पे आता हूं कितना परसेंट फैट पाया जाता है दशमलव छह जीरो दोस्तों आप समझ रहे हो मैं फिर से बता रहा हूं क्या पाया जा रहा है तीन दशमलव छह जीरो चारों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा ही पूछेगा। हाँ सर मैंने देख लिया अब देखते हैं आप में कितना कंसेंट्रेशन है लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बताओ विटामिन डी आपको किस में नहीं मिलेगा मछली में नहीं मिलेगा एग में नहीं मिलेगा मीट में नहीं मिलेगा या काऊ के जो मिल्क होता है गाय का जो दूध होता है उसमें नहीं मिलेगा बताओ किसमें नहीं मिलेगा अब आपको यहां पर पता पड़ गया पहले तो आंसर बताओ आ, सर अभी आपने बताया था काऊ का जो मिल्क होता है उसमें सर देखो आपने बताया था ये ये विटामिन होते हैं तो सर इसमें तो पाया जाता है जबकि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है विटामिन डी किसमें नहीं होता अगर आप लोग टेबल को ध्यान से देखते तो यहां पर देखते दोस्तों काउ का जो मिल्क होता है उसमें विटामिन डी है दोस्तों जो एग है उसमें विटामिन डी है दोस्तों जो फिश है उसमें विटामिन डी है नियासिन भी है नियासिन किसको को बोलता है विटामिन बी थ्री को दोस्तों ये जो मीट है उसमें विटामिन डी नहीं है विटामिन बी टू और विटामिन बी ट्वेल्व है तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों आई बात समझ में आई मैं आपको इसलिए बोलता हूं डेली जब आप लोग क्लास अटेंड करेंगे हर बार आप लोगों का कंटेंट अपडेटेड लेकर आता हूं वो चीजें नहीं है पुराना कंटेंट ताकि आपको पढ़ा दिया मैं अभी मैं आपको बताऊं मैं लैपटॉप मंगवाता हूं आपको एक चीज दिखाऊं क्या अभी नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का मैंने कंटेंट बनाया बिल्कुल नया

चुल में पहले वो ध्यान रखना है जो एनसीआई में दिया हुआ है क्लियर है क्या चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों प्लीज इसको गलत मत करना ये क्वेश्चन आई आई थिंक थिंक मैंने पहले भी भी करवाया है है ये क्वेश्चन इस बार आपके ग्रुप डी में भी पूछा गया है। और चार से पांच बार आप लोगों का पहले भी पूछा जा चुका है ये ठीक है तो लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन में से कौन सा नहीं बनता दोस्तों आपके पास में क्या है लेड नाइट्रेट है तापीय अपघटन का मतलब क्या है जब आप लोग इसको गर्म करोगे तो ये टूट जाएगा टूट के क्या क्या बनाएगा आपको यह नहीं पूछा जा रहा है बताया जा रहा है जब टूटेगा तो इनमें से क्या नहीं बनेगा दोस्तों क्लास टेन एन साइंस एनसीआरटी का चैप्टर नंबर वन में ही आप लोगों की रिएक्शन दी गई है केमिकल रिएक्शन जो आपका चैप्टर है ना तो उसमें बोला जा रहा है कि जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हो ना तो ये टूट जाता है टूट के क्या बनाता है एक तो लेड ऑक्साइड बनाता है, साथ में नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस बनाता है मुझे एक चीज आप लोग और बताइएगा इस बार आप लोगों के ग्रुप डी 2022 में पूछा गया कि जो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनी लेड नाइट्रेट के अवगटन से इसका कलर क्या होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा ब्राउन कलर का ब्राउन होता है इसका देखो ब्राउन फ्यूम्स है ना यू विल जब आप इसको गर्म करोगे ना लेड नाइट्रेट को देखोगे भूरे कलर की धुआं निकल रही है तो बेसिकली कौन सी है है नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो देखो आप लोगों को मिल रहा लेड ऑक्साइड आपको मिल रहा है ऑक्सीजन आपको मिल रहा है क्या नाइट्रोजन मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि क्या नहीं बन रहा वो आप लोगों को सेलेक्ट करना था आगे बात समझ में दोस्तों मजा आ रहा है क्या मजा आ रहा है या नहीं आ रहा आ रहा है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर आप लोग बताएंगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर बताओ सर यू आर द बेस्ट टीचर थैंक यू सो मच दोस्तों आपके प्यार के लिए आपके गुड विशेष के लिए अच्छे अच्छे मैसेज के लिए थैंक यू सो मच बताओ निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक ऑक्साइड है जो कि पानी में घुलनशील है पानी में घुल जाएगा जैसे ये क्या है सोडियम का ऑक्साइड है सोडियम एक मेटल है ना तो ये भी एक मेटल का ऑक्साइड है आयरन मेटल है तो ये भी एक मेटल का ऑक्साइड है कॉपर एक मेटल है ये भी मेटल का ऑक्साइड है लेड एक मेटल है ये भी मेटल का ऑक्साइड है कौन सा पानी में घुल जाएगा दोस्तों देखो एनसीआईटी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई है फिर भी पता नहीं आप क्यों गलती कर देते हो मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वॉटर देख रहे हो क्या अधिकतर जितने भी आप लोगों के मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना वो पानी में नहीं घुलते हैं तो अधिकतर नहीं घुलते तो कुछ घुल जाते होंगे सर घुलते कौन है बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर बट कुछ इसमें घुल जाते हैं कौन कौन से एक तो दोस्तों सोडियम का ऑक्साइड घुल जाता है एक पोटेशियम का ऑक्साइड घुल जाता है तो ऑप्शन में कहीं पर सोडियम या पोटेशियम का ऑक्साइड दिया हुआ है क्या बिल्कुल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में तो आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे आ गई बात समझ में गलती नहीं करोगे ना तो आपको नोट में लिखना है अपने कि सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड ये दोनों क्या है सोल्यूबल है इसके अलावा जो बाकी का लेड ऑक्साइड है आयरन ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड है वो सर घुलनशील नहीं है आगे बात समझ में चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है है ना पहले भी आपने करा है मैं देखो आप आ जाओ क्योंकि मुझे पता है आपको तो याद रहनी आप तो भूल जाओगे तो वो कॉन्सेप्ट कराता हूं जिससे फिर अच्छे से दिमाग में घुस जाए निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है सर इसका मतलब क्या है देखो मेरी बात को आप लोगों के लिए मेहनत से इतने शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं लेकिन आप पढ़ते आपको चाहिए नहीं ना वो चीज आपको है ना इसलिए मैंने क्लास बंद करी है बोला जब बच्चे बेवकूफ हैं जब बच्चे को कंटेंट का मतलब ही नहीं पता तो मैं क्यों मेहनत करवाऊं है समझ में आ गया इसलिए मैंने बोल दिया सर सर आप दो इतनी मेहनत कर रहे हैं केवल डेढ़ सौ बच्चे देख रहे हैं, लाइव दो सौ देख रहे हैं और इतने शानदार फैकल्टी लेके आया हूं मैं आप लोगों को दस दस साल का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन में इतना पढ़ाया उन्होंने फिर भी लेकिन आपको चाहिए बस वो म, वो वाला कोई आपके मक्खन लगाते रहे पढ़ा, पढ़ना तो है नहीं आपको आ जाओ निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है दोस्तों मेरी बात को आप लोग छोटी सी है लेकिन ध्यान से आप लोग समझना देखो देखो जब भी आप लोग किसी मेटल की रिएक्शन करवाओगे एसिड से तो कौन सी गैस मिलती है आपको पता है क्या 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 मिलता है सर एक तो सॉल्ट मिलता है लवण मिलता है साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है जैसे एक एग्जांपल के तहत समझो आ, आपने जिंक की रिएक्शन करवाई सल्फ्यूरिक एसिड से आपको पता है क्या मिलेगा दोस्तों जिंक सल्फेट मिलेगा साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या अब एक चीज मेरी बात ध्यान से समझो प्लीज देखो रट आप सभी लोग हाइड्रोजन बैठा है यानी हाइड्रोजन को किसके साथ में जोड़ना है एसो फोर के साथ में जोड़ना है. है? है यहां पर क्या हो गया दोस्तों एसोफोर के साथ में जुड़ गया जिंक यानी जिंक ने जरूर हाइड्रोजन को हटाया होगा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा होगा भाई तू हट मैं आके बैठूंगा तो जिंक ये काम क्यों कर पा रहा है क्योंकि जिंक की जिंक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हाइड्रोजन से जब आप लोग रिएक्टिविटी देखोगे ना देखो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है लेड है आयरन है जिंक है एल्यूमिनियम है मैग्नीशियम है कैल्शियम है सोडियम है पोटेशियम है यानी ये सारे मेटल हाइड्रोजन को हटा देंगे और दोस्तों हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं लेकिन जो मेटल इनसे कम रिएक्टिव है दोस्तों हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव क्या होता है कॉपर सिल्वर गोल्ड ये हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होते हैं तो ये काम नहीं कर पाएंगे करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आगे बात समझ में आगे बात समझ में आ, सर मैंने दोस्तों एक बच्चा बोल रहा है सर एक बार ऐप पे गलत पीडीएफ डल गई ठीक है नंबर पर संपर्क कर ले आप लोग ठीक है इस नंबर पर संपर्क कर ले टेंशन ना ले आप है ना है ना कोई बात नहीं दोस्तों मैं भी इंसान हुआ इतने कोई एक कोई क्लास में कोई डाल दूँगी आप इस नंबर पे जानकारी दे दीजिए मैं कर दूंगा ठीक है चले आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर बताओ दोस्तों प्लीज गलती मत करना प्लीज गलती मत करना मेरी रिक्वेस्ट है सर क्यों मैं कर सकता हूं ना यार एटलीस्ट वो तो मत करो जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो दोस्तों सोडियम की रिएक्शन करवा रहे हो एथेनॉल के साथ में एथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंपाउंड है सी टू एच फाइव ओ एच है ना इस, इसका कॉमन नेम क्या है एथिल एल्कोहल आई यू पी नेम क्या है एथेनॉल दोस्तों जब सोडियम की रिएक्शन करवाते हो एथेनॉल से तो आपको क्या मिलता है एक चीज मिलती है वो चीज क्या है गैस तो चलो आप बता दोगे गैस तो बता दोगे हाइड्रोजन गैस मिलेगी मुझे ये बताओ हाइड्रोजन गैस के साथ में क्या बनेगा कमेंट करके बताओ अब मैं नहीं बताऊंगा देखते हैं आपको यार मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोग साथ में पढ़ भी रहे हो नहीं पढ़ रहे हो बताओ मुझे हाइड्रोजन गैस बनेगी चलो बहुत अच्छी बात है सबने बता दिया हाइड्रोजन गैस के साथ में क्या बनेगा कौन बताएगा सबसे पहले देखते हैं कौन आंसर देगा कौन आंसर देगा कौन आंसर देगा मैं माउस रखता हूं क्योंकि बहुत फास्ट कमेंट आ रहे हैं आ, एक भी बच्चा नहीं बता पा रहा यार बहुत दिक्कत की बात है यार देखते हैं कौन आंसर देगा कौन आंसर देगा उसका नाम बता दो एक बच्चे ने फार्मूला लिखा है बहुत अच्छी बात है लेकिन फार्मूला जल्दी से ऊपर चला गया मैं देख नहीं पाया अरे भैया बहुत गलत बात है बहुत हाँ किरण जी ने फार्मूला बताया है नाम बता दो ना कोई देखो ये हाल फिर बोलते हो सर सेलेक्शन जो होता है ना सेलेक्शन सर सेलेक्शन है ना मुश्किल है क्या हाँ बहुत मुश्किल नहीं बहुत आसान है आप खुद देख लो हालत देख लो मैंने हर क्लास में बताया कम से कम दूसरी बारी रहा हूं मैं. मैंने आपको बार बार बताया है कि दोस्तों रिएक्शन एथेनॉल के इंपॉर्टेंट रिएक्शन ध्यान रखो एक तो सोडियम के साथ में तो जब सोडियम की रिएक्शन करवाते हो एथेनॉल से तो हाइड्रोजन गैस मिलती है साथ में क्या मिलता है सोडियम एथोक्साइड मिलता है बताया नहीं बताया कितनी बार बताया फिर आप लोग बोलते हो कि सर है दो चार बच्चे थे जिन्होंने फॉर्मूले लिख दिए थे बिल्कुल अच्छी बात है ना सी टू एच फाइव ओ एन एस कोई कोई दो चार बच्चे थे जिन्होंने फॉर्मुले लिख दिए थे तो सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मुला ये है मैं नाम पूछा कोई पता नहीं यूरिया बोल रहा कोई क्या बोल रहा पता नहीं मतलब दिक्कत की बात है यार देखो आप चाहे बुरा मान लो मैं देखो सीधे भाषा में बोल देता हूं अब आप लोगों को चाहिए कोई हमको मक्खन लगाने वाला हो है ना तो मक्खन लगाने का काम मैं भी कर सकता हूं अरे दोस्तों कोई बात नहीं है लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो ठीक है एक बार गलती हो जाती है लेकिन जो चीज आप पहले पढ़ चुके हो उसमें तो एटलीस्ट गलती मत करिए चलिए बताओ ये सिंपल सा क्वेश्चन है आंसर बताओ हमारे हृदय का कौन सा भाग शरीर के सभी भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है देखो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से आप लोग समझो ये रहा आप लोगों का लंग्स यानी फेफड़े दोस्तों लंग्स क्या करते हैं लंग्स क्या करते हैं दोस्तों लंग्स के पास में जब ब्लड जाता है उसमें क्या होता है ऑक्सीजन नहीं होता बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों लंग्स क्या करता है ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेता है ऑक्सीजन डाल देता है यानी लंग से जब ब्लड बाहर निकलेगा उसमें क्या होगा सर बहुत सारा ऑक्सीजन होगा बात सही है क्या ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आपको सब जगह पहुंचाना है तो ये हेल्प कौन करेगा आपका हर्ट करेगा क्योंकि हर्ट क्या करता है ब्लड को पंप करता है तो ये जो ब्लड आप भेजने वाले हो हर्ट के पास में भेज रहे हो दोस्तों हर्ट में होते हैं चार भाग चार चैंबर ऊपर वाले को को बोलते बोलते हैं हैं यानी यानी आलिंद नीचे वाले निलय तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट ऑरिकल बाया आलिंद ये हो जाएगा राइट ऑरिकल यानी दाया आलिंद ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल बाया निलय ये हो जाएगा राइट right वेंट्रिकल दाया निलय दोस्तों ऑक्सीजन वाला ब्लड गया इससे दोस्तों नीचे आया समझो मेरी बात को तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कौन सा शरीर के सभी भागों से वो भी लंग्स से कर रहा है तो लेफ्ट ऑरिकल वाला ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में यहां से एक मोटी सी नली होती है जिसका नाम है ओरोटा यानी महादमनी जो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड हर अंग तक ले जाएगी आपकी किडनी में भी ले जाएगी आपके पैर में भी ले जाएगी पेट में भी ले जाएगी क्योंकि सबको ऑक्सीजन की जरूरत है दोस्तों जब इनसे ब्लड बाहर निकलेगा ना उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी ये ऑक्सीजन रहित रखता है तो ये ऑक्सीजन रहित क्त घूम घूम के कहां पर आता है राइट ऑरिकल में यानी जो राइट ऑरिकल है जो आपका दाया आलिंद है है ये बाकी के पार्ट से क्या कर रहा ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त कर रहा है तो करेक्ट आंसर राइट ऑरिकल हो जाएगा ऑरिकल को एट्रियम भी बोलते हैं ध्यान रखेंगे फिर राइट ऑरिकल से यह ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल दाए नीले में फिर यहां से एक नली के माध्यम से वापस लंग्स में जाता है फिर लंग्स आप लोगों का आगे का काम वापस करता है क्लियर है क्या निहाल यूके आई लव यू सर आप गर्लफ्रेंड बना लो बहुत बिजी रहते हो आप आपको रिलैक्स होने की जरूरत है सर अच्छा <laughs> तो बताओ आपको किसे पता जब गर्लफ्रेंड होती है आदमी रिलैक्स रहता है क्या है? है नहीं है तो बना के देख लो पता पड़ जाएगा रिलैक्स रहते नहीं रहते है? इधर पढ़ाई कर लो अच्छा रिलैक्स रह लो ये भैया मुझे रिलैक्स की जरूरत नहीं है अगर आप सब पढ़ाई कर रहे हो सिलेक्शन लेकर आ रहे हो तो मेरा तो वैसे ही रिलैक्स रहूंगा मैं ठीक है मैं रिलैक्स कब नहीं रहूंगा डिप्रेस कब रहूंगा इधर में मेहनत कर रहा हूं इधर फालतू में बातें कर रहे हैं सर ये स्लाइड का कलर है ना सर ये नीले की जगह पीला कर दो मेरी आंखों में दिक्कत होती है सर ये क्लास का टाइम जो सुबह दस बजे होता है ना ये शाम को छह बजे कर दो क्योंकि सर मुझे पड़ोस में जो आंटियां होती हैं ना उनके साथ में बैठ के गप्पे लगाना पड़ता है गप्पे लगाता हूं मैं कि मारो गोलू तो आजकल खाने कौन खा है हमारा मोलू तो बहुत पतला हो गया बेचारा पढ़ाई भी नहीं करता पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है ना आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं जितने स्टार मार्क आप लोग लगा सकते हो लगाओ सर ये क्या क्वेश्चन आ गया अरे कुछ भी नहीं है जब मैं एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा ना आप लोग देखोगे कि कितना आप लोगों का इजी क्वेश्चन है बताऊं क्या बताऊं ना सर देखो दोस्तों आपको पता है कोई भी जीव उसमें कोशिका मिलती ही मिलती है बहुत सारी कोशिका उसे मिलकर बना हुआ होता है कोशिका के समूह को बोलते हैं टिश्यू यानी उत्तक दोस्तों आपको मैं बता दूं प्लांट में जो टिश्यू पाए जाते हैं जो उत्तक पाए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक तो होता है आप लोगों का मैरिस्टमैटिक टिश्यू हिंदी में आप लोग बोलते हैं विभो तक उत्तक और एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू जिसे हिंदी में आप लोग बोलते हैं स्थाई उत्तक बात सही क्या इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है सर मैरिस्टमैटिक टिश्यू जो होता है ना इनकी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन हो सकता है सेल डिवीजन हो सकता है कुल मिला के प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू रेस्पॅसिबल है ये ठीक है अब दोस्तों अगर ये टिश्यू है अगर ये उत्तक है तो क्या ये बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ है क्या बताओ बोलो हां या ना दोस्तों क्या कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें होती है क्या बताओ हां सर होती है कोशिका के अंदर सर माइटोकॉन्ड्रे भी होता है कोशिका के अंदर राइबोजोम भी होता है सर कोशिका के अंदर खाली जगह भी होती है जिसको वैक्यूल बोलते हैं दोस्तों मेरिस्टोमेटिक टिश्यू की जो कोशिकाएं होती है उनमें क्या नहीं होता क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मान लेंगे भाई साहब कि सर पढ़ रहे हैं एक बच्चा किरण जी बिल्कुल सही आंसर दे रही है बी होगा किरण जी बहुत बढ़िया कोई बात नहीं सर हमको नहीं आता तो सीखना है ना देखो दोस्तों ध्यान रखो आप लोग मैं देखो हर चीज आपको एनसीआर से कनेक्ट करता हूं इसका उद्देश्य क्या है कोई बताएगा क्या क्योंकि कोई बच्चे क्या होते हैं बहुत शाणे शाणे होते हैं सर शाने का मतलब उन्होंने पिछले पांच बार में दस बार तो एल दे लिया पंद्रह बार टेक्नीशियन दे लिया आर आरबी जेई बन चुके दोस्तों रिटायर्ड हो गए और क्लास में आके बोल रहे हैं सर क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा 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 तुम्हें उसलिए बताता हूं कोई भी क्वेश्चन में रिलेवेंट करवाता ही हूं दोस्तों क्लास नाइन साइंस का चैप्टर नंबर टीशू उत्तक देखो meristematic tissue आर वेरी एक्टिव अच्छा दोस्तों कि इस टिश्यू की जो कोशिका है ना बहुत एक्टिव है बहुत सक्रिय है अच्छी बात है दोस्तों एक लाइन और लिखी हुई lack वैक्यूल इनमें वैक्यूल की कमी होती है रिक्तिका की कमी होती है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अब दोस्तों क्यों होती है ये बात इधर नहीं लिखी गई है लेकिन आपको पता होनी चाहिए क्या आप मुझे बताओगे क्या कि वैक्यूल क्यों नहीं है इसमें वैक्यूल बेसिकली क्या है कोशिका का जो खाली स्पेस होता है ना उसको वैक्यूल बोलते हैं मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि वैक्यूल का, का काम क्या है किसी प्लांट का वेस्ट स्टोर करना अगर किसी कोशिका का जो वेस्ट है वो आपका जो वैक्यूल होता है ना ये स्टोर करता है बोलो बात सही है नहीं है अब दोस्तों एक्चुअली में ये वाली कोशिका बहुत ज्यादा एक्टिव है ठीक है तो देखो आप अगर एक्टिव रहोगे तो आपका कुछ ज... अगर आप मान लो दिन भर आप बैठते रहोगे तो आपके दिमाग में वेस्ट भरेगा ही भरेगा क्योंकि टीवी देखोगे है ना आप लोग इंस्टाग्राम चलाओगे फेसबुक चलाओगे वहां के फालतू की बकवास वगैरह है ना लंबानी मैडम लंबा ये सुनते रहोगे तो दिमाग में कचरा ही तो जाएगा ना और क्या जाएगा सिमिलर ये तो बहुत एक्टिव है कचरा बनता ही नहीं है बहुत कम वेस्ट बचता है तो इसके लिए वैक्यूल जो होता है ना वो इतना काम का नहीं है आ गई क्या बात समझ में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थैंक यू सो मच दोस्तों इसका आंसर बताओ अब ये मत बोलना सर कॉर्क क्या होता है देखो अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हो ना सबसे पहले ही आपको कॉर्क के बारे में पढ़ाया जाता है क्या पढ़ाया जाता है मैं आपको बताता हूं दोस्तों कॉर्क में केमिकल होता केमिकल का नाम क्या है सर मुझे कॉर्क नहीं पता कोई बात नहीं दोस्तों आप लोग ये जानते हो कोई बड़ा सा पेड़ लो आप लोग पेड़ की ये जो बड़ा सा तना है ना इसकी जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलते हो बार्क बोलते हो ना छाल बोलते हो पेड़ की छाल तो इसका एक पार्ट है आपका कॉर्क कॉर्क आपको मैं बता दू, दोस्तों इसी को माइक्रोस्कोप से जब देखा था तब ये पाया था ये बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ है और ऐसे ही दोस्तों कोशिका की खोज हुई थी कि कोई भी जीव में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको कोशिका बोलते हैं ठीक है अब बात आती है कॉर्क की बात करते हैं दोस्तों इसी चैप्टर क्लास नाइन का चैप्टर नंबर सिक्स उठा के देखोगे तो उसमें आप लोगों को दिया हुआ है कि सेल्स ऑफ कॉर्क कॉम्पेटलीर्क की जो कोशिका है ना ये मृत कोशिका इनमें कोई एक्टिविटी नहीं है और एक दूसरे से बिल्कुल सटा के बैठी हुई है ठीक है साथ में क्या बोला जा रहा है दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन कि इनमें एक पदार्थ भी पाया जाता है उस पदार्थ का उस केमिकल का नाम क्या है सुबेरिन दोस्तों यह पदार्थ क्या करता है एयर को प्लांट के अंदर घुसने से रोकता है एयर को प्लांट के अंदर घुसने से रोकता है करेक्ट आंसर आप लोगों का सुबेरिन हो जाएगा आई बात समझ में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आई क्लियर दोस्तों आज रात को 10 बजे जुड़ोगे ना मेरे साथ में सर क्या कर रहे हो रात को 10 बजे सर मुझे उठा के अभी आप देखो मजा आ जाएगा जब उठ, उठ जाओगे ना आप सुबह दस रात को दस बजे आ जाओ पहला वैज्ञानिक जिसने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया अब दो इसका आंसर इसमें आएगा मजा सर मुझे एक चीज ये बता दो पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है दोस्तों आपको मैं बता दू जैसे आपके पास में कोई प्रिज्म है बताऊं प्रिज्म ये रहा आपके पास में कोई प्रिज्म है इसमें जब व्हाइट लाइट पास करोगे तो आप लोग देखोगे आपको सात रंग के प्रकाश मिलेंगे इससे ये चीज आप लोगों की क्लियर हुई कि एक्चुअल में व्हाइट कलर की लाइट सेवन कलर से मिलकर बनी होती है कौन कौन से होते हैं वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड तो सात रंग का ये मिल रहा है ना आपको एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है उसको आप लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट लाइट किसने प्राप्त किया बताओ क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों क्लास टेन साइंस का चैप्टर उठा के देखोगे ना ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड चैप्टर का नाम है तो उसमें देखो देखो उसमें न्यूटन वा फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू दी स्पेक्ट्रम यानी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे आइजेक न्यूटन ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ रहा है मजा समझ में आ रहा है सर समझ में तो आ रहा है लेकिन चल मैं लाइक नहीं करूंगा तो लाइक नहीं करते आप ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की है मतलब गुरु जी मेहनत कर रहे हैं आपको पता है दोस्तों एक के क्वेश्चन बनाने में कितना समय लगता है आप देख लो हर एक क्वेश्चन इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि आप लोगों का सब कुछ कवर हो आप छोड़ के कुछ भी नहीं जाए ठीक है आ जाओ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोग इजीली कर दोगे आंख का कौन सा भाग मस्तिष्क को विद्युत संकेत भेजता है दोस्तों ये रहा हमारा मस्तिष्क क्या है ये हमारा मस्त अरे क्या बता रहा हूं मैं आई है सर दोस्तों ह्यूमन आई के अंदर क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है उत्तल लेंस होता है जब भी दोस्तों किसी वस्तु को हम अपनी आंख के सामने रखेंगे जैसे मान लो पेन को रखेंगे तो इसके सामने मान लो कोई वस्तु रख दी पेन रख दिया कुछ भी रख दिया इससे प्रकाश किरणें आएगी कॉन्वेक्स लेंस उत्तर लेंस क्या करता है प्रकाश किरणों को कन्वर्ट करता है कन्वर्ट करके कहां पर मिलाता है रेटिना पर मिलाता है यानी इमेज कहां पर बनती है रेटिना पर बनती है दोस्तों क्या ये सही में मिल रही है क्या बिल्कुल तो इमेज कैसी बनेगी रियल बनेगी वास्तविक बनेगी दोस्तों रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है उल्टी होती है लेकिन मुझे एक चीज बताओ ये पेन में सीधा खड़ा कर रखा हूँ मेट को तो सीधा ही दिखाई दे रहा है आप बोल रहे हो सर इमेज उल्टी बनती है एक्चुअल में दोस्तों यहां से ब्रेन में सिग्नल कुछ इस प्रकार से जाते हैं कि ब्रेन इसको सीधा रीड करता है तो ब्रेन को सिग्नल भेजने वाला कौन है ऑप्टिक नर्व है सर ये देखो बड़ी बड़ी लाइन दी सिग्नल आर सेंड टू द ब्रेन वाई ऑप्टिक नर्व है ना? आ जाओ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों मैंने आपको कल एक चीज बताई थी चलो पहले आप आंसर बताओ देखते हैं कितने लोग सही बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे बताओ देखो दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण क्या करता है मैंने आपको बताया था क्या कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण क्या करता है सर आपने बताया था उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं पर भी रख दो यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर रख दो ये हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा वर्चुअल बनाएगा आवासीय प्रतिबिंब बनाएगा और हमेशा वर्चुअल इमेज कैसा होता है इरेक्ट होता है सीधा होता है ये बात मैंने आपको बताई थी क्या मैंने एक चीज और बताई थी हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है बताया था क्या मैंने दोस्तों जो काम मिरर में कॉन्वेक्स कर रहा है उत्तल कर रहा है वो काम लेंस में कौन करेगा कॉनकेव करता है अवतल करता है यानी अवतल लेंस वही काम करेगा जो यहां पर ये करता था यानी कॉनकेव लेंस भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या जय अवा ताड़े जी क्या मैथ्स और रीजनिंग की क्लास नहीं चालू होगी क्या अवा ताड़े जी मुझे एक चीज बताओ मेरे प्यारे अवा ताड़े जी आप पिछले 25 मिनट से एक ही कमेंट कर रहे हो मैंने इतना सारी चीजें इतनी सारी चीजें समझा दी आपने सब बेकार कर दिए दोस्तों बहुत जने बोल रहे हैं सर मैथ्स मैथनिंग की क्लास हाँ मैंने बंद कर दिए बताओ मैं क्या करूं कर दिए मैंने बंद, आपके लिए चालू करी थी कि आप लोग बेस्ट से बेस्ट चीज पढ़ सको लेकिन नहीं आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे दोस्तों मुझे बेकार लगता है मैं अगर कोई एक एक्सपीरियंस टीचर आपके लिए बेस्ट कंटेंट वाला मैं लेकर आऊं और उसको आप लोग इस प्रकार से डिसरेस्पेक्ट करो तो भाई एक तरह से डिसरेस्पेक्ट ही ना केवल दो बच्चे देख रहे हैं यार वो इतने बड़े बड़े टीचर है ये तो भाई मैंने बोल दिया सर आप बेटो बच्चों को वही चाहिए जो देखो ऐसे गिनते हैं एक, दो, चार है, बाबा तेरी जय जयकार चलो आगे ऐसा नहीं होता दोस्तों ठीक है सब करेंगे आपके लिए टेंशन मतलब अभी पढ़ो आप पहले तो साइंस में पूरे मार्क्स लेकर आओ साइंस का मैं कर रहा हूं ना एक बार ये करो अब शानदार बातें बताऊंगा अभी आपको टेंशन मतलब लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ बीस सेंटीमीटर फोकल लंबाई का एक अवतल लेंस है दोस्तों रहा एक अवतल अवतल लेंस लेंस यही है क्या दोस्तों सेंटीमीटर फोकल लंबाई का इसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है बीस सेंटीमीटर अरे क्या बात है दोस्तों लेंस से पंद्रह सेंटीमीटर ठीक है मुझे नहीं पता पंद्रह सेंटीमीटर कहां पर होता है मैंने एज मान ली जगह आपने क्या रख दी

कॉनकेव लेंस है अवतल है तो फोकल लेंथ आप लोग लेंगे नेगेटिव आपको तो यह बताना है कि मान लो ये बन गया वस्तु भी कहीं ना कहीं तो रखी होगी तो लेंस से वस्तु की कितनी दूरी है मतलब लेंस से जो वस्तु की दूरी होती है उसको यू से डिनोट करते हैं तो यू का मान आपको निकालना है लेंस फॉर्मूला लगाना है वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू सारा मान पता है बस एक चीज नहीं पता वी को प्लस पंद्रह लू या माइनस पंद्रह लू कौन बताएगा कौन बताएगा दोस्तों प्यारे दोस्तों एक चीज ध्यान रखो कॉनकेव लेंस अवतल लेंस में वस्तु को कहीं पर भी रखो यहां पर यहां पर यहां पर हमेशा जिस तरफ वस्तु होती है ना उसी तरफ प्रतिबिंब बनता है जैसे मान लो आपने वस्तु को रखी यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बना यहां पर बना वस्तु को रखी बहुत दूर प्रतिबिंब कहां पर बना यहां पर बना जिस साइड वस्तु को रखते हो उधर ही प्रतिबिंब बनता है यानी वस्तु अगर लेंस के इस साइड रखी तो इमेज भी इस, इस साइड ही बनेगी लेंस के लेफ्ट में बनेगी तो वी का मान में लूंगा माइनस पंद्रह आगे क्या बात समझ में आ गई तो एफ का मान है माइनस ट्वेंटी तो एक बट्टे माइनस ट्वेंटी बोल दो ये माइनस एक बाई ट्वेंटी बोल दो बात बराबर है v का मान आप लोगों को निकालना है अच्छा v का मान दिया हुआ है ना माइनस पंद्रह तो एक बट्टे माइनस पंद्रह बोल दो माइनस एक बट्टे पंद्रह बोल दो बात बराबर है है? और यह माइनस वन अपॉन यू माइनस वन बाय उधर जाके हो जाएगा वन बाई यू प्लस में और इधर हो जाएगा एक बटे बीस माइनस एक बटे पंद्रह लिया आपने साठनस एक बटे साठ तो यू का मान आ गया आपका माइनस का मतलब क्या है लेंस से लेफ्ट में रखिए कितनी दूरी पर साठ सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या आप लोग रात को तैयार हो क्या आज रात को दस बजे तैयार हो क्या जल्दी से कमेंट करके बताओ आज रात को दस बजे तैयार हो क्या मोशन पढ़ेंगे मजा आ जाएगा दोस्तों इस थंबनेल में सबसे इंपॉर्टेंट ये है मैंने मेरे फेवरेट प्लेयर का फेवरेट शॉट लगाया पीछे विराट कोहली का ध्यान है है छक्का कब लगाता ये कमेंट करके बताना आज स्कोर तो कमेंट करते ही रोहित सर बीस में से चौदह हुए सोलह हुए अठारह हुए चार हुए तीन हुए नौ हुए ग्यारह हुए हैं आज ये भी कमेंट करके बताना ठीक है और दोस्तों सोलह मार्च को आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं सभी सब्जेक्ट का समाधान क्योंकि सिलेक्शन जब आप के लिए सोच लिया सिलेक्शन तो फिर बाकी का भी सोच ले मैथ्स रीजनिंग जीके का भी सोच ले सोच ले क्या तो कुछ ना कुछ समाधान करेंगे सब एग्जाम के लिए करेंगे आई होप आपको बात क्लियर है है या नहीं है तो दोस्तों आप लोगों का जनरल साइंस जो फाउंडेशन बैच है उसमें बायोलॉजी शुरू हो चुकी है कंटेंट देख लो हर एक चीज एन की कवर करता हूं प्रॉपर डायग्राम प्रॉपर आप लोगों का फ्लो चार्ट प्रॉपर एनिमेशन क्लास में ही आप लोगों को सब कुछ याद हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से देखो कितना फ्लो चार्ट कितनी मेहनत सर कौन सा बैच है जनरल साइंस फाउंडेशन बैच जीवन में एक बार पढ़ना है आपको वापस कभी नहीं पढ़ना कोई से भी एग्जाम दे लो दोस्तों मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं हंड्रेड परसेंट मार्क्स की सिलेक्शन तो बहुत छोटी चीज है दोस्तों ग्रुप डी पच्चीस में से पच्चीस ले आओगे जेई तीस में से तीस आओगे टेक्नीशियन चालीस में से चालीस आओगे एलपी बीस में से बीस आओगे बशरते साइंस आपने अच्छे से पढ़ी हो और दोस्तों अच्छे से पढ़ाने के लिए मैं केवल यह नहीं करता मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं या मैं केवल केमिस्ट्री पढ़ाता हूं मैं आपको चारों चीजें पढ़ाता हूं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन्वायरमेंट दोस्तों एक्चुअली मुझे पता है कौन सी चीज केमिस्ट्री में पढ़ानी है कौन सी चीज फिजिक्स में पढ़ानी है तो आप लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके प्यारे नीरज सर इधर खड़े टेंशन क्यों ले रहे हो दोस्तों का ये आप लोगों का का कोर्स है है आपका हर एक सब्जेक्ट डेली लाइव क्लास है, मिस कर दोगे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी टेंशन लाइन बाय लाइन कवर है दोस्तों हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं एक साल की वैलिडिटी है दोस्तों दो सौ निन्यानवे रुपए की टेस्ट सीरीज फ्री है एक चैप्टर पढ़ो जब कंप्लीट हो जाके टेस्ट लगाओ सर ज्वाइन कैसे करना है मुझे तो यह बताओ

आप आके देखोगे आपका कोर्स ये खुल चुका होगा कोई दिक्कत हो इस नंबर पे संपर्क कर लो थैंक यू सो मच टेक केयर बाय अपना ध्यान रखिए दोस्तों रात को दस बजे मिलोगे क्या ये भी कमेंट करके बताना ठीक है थैंक यू सो मच बाय